गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बेस्ड हमारी पांच रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझना है कौन कौन सी पाँच रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है स्टीफंस रिडक्शन, सेकेंड रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, चौथा गटरमैन कोच रिएक्शन और पांचवा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो हमने इस ऑर्डर में किस वे से रखा है, देखो क्योंकि हमारे पास इन दोनों रिएक्शंस के अंदर वर्ड आ रहा है रिडक्शन, मतलब इन रिएक्शंस में, इन दोनों रिएक्शंस में हो ना हो रिडक्शन जरूर होगा, और रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि हमें हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करवानी, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, इसमें हाइड्रोजन को एड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इन दोनों रिएक्शंस में, जो हमारे पास इटार्ड रिएक्शन है, इस इटार्ड रिएक्शन में हमें डिस्कस करना होता है ऑक्सीडेशन के बारे में। यहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, अपने आप को कार्बन कंपोनेंट होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, और मेजरली जो ये तीनों के तीनों रिएक्शन है, मेजरली जो यूज होती है वो एराइल ग्रुप्स के लिए यूज होती है। एराइल ग्रुप्स का मतलब है हमें एरोमेटिक कंपाउंड पे, जैसे बेंजीन के ऊपर मेजरली हम इसको फॉर्मेशन करते हैं, इन तीनों रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेप टू स्टेप हर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टीफंस रिडक्शन के बारे में। देखो स्टीफंस रिडक्शन में क्या होता है, स्टीफंस रिडक्शन में एक्चुअल में अगर कोई भी एल्काइल साइनाइड ग्रुप है, किसी भी साइनाइड ग्रुप को, अगर मैं साइनाइड ग्रुप की बात करता हूं तो साइनाइड ग्रुप क्या होता है, कोई भी सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा। अब सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर साइनाइड ग्रुप हमें किसी कार्बन चेन पे अटैच करना है तो हम कैसे अटैच करें, तो साइनाइड ग्रुप की अटैचमेंट करनी है तो हम सबसे पहले हम करते हैं एल्काइल हैलाइड को, RX को, पहले इसको ये देख लेते हैं साइनाइड कैसे अटैच होता है किसी कार्बन चेन के ऊपर। RX कोई भी ग्रुप होगा, इसके ऊपर अगर यदि मैं KCN डाल देता हूं, KCN पोटासियम साइनाइड, तो हमारे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है। कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा उसके ऊपर CN डाल दो, KCN डाल दो, तो आपको मिलेगा RCN ग्रुप। क्लियर है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से सुनना है आपको, समझना है, रिडक्शन करने साइनाइड का रिडक्शन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साइनाइड का रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं साइनाइड का रिडक्शन करने जाता हूं तो रिडक्शन के लिए हमें कई सारे रिएजेंट्स यूज करने को मिलते हैं, लेकिन हम इसमें रिएजेंट यूज करते हैं SnCl2+HCl। अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लेना, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, अगर मैंने रिएजेंट डाला इस पे SnCl2+HCl, अगर मैं इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब कंप्लीट इसका यूज करता हूं, इस कंप्लीट रिएजेंट का यूज करता हूं, मतलब कंप्लीटली रिडक्शन कर देता हूं इसका, कंप्लीट रिड्यूस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड का दो बॉन्ड खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया तो दो बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे NH2 जुड़ जाता है, मतलब मुझे अमीन मिलता है 1 डिग्री अमीन। कब, जब मेरे पास में साइनाइड ग्रुप होगा और उसमें कंप्लीटली इसमें कुछ और रिएजेंट ऐड ना करूं। लेकिन अगर मैं इसी कंपोनेंट में रिएजेंट मेरा यही है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, लेकिन अब की बार मैंने कंप्लीट नहीं इसको पार्शियली ऐड किया है, पार्शियली मतलब थोड़ी अमाउंट में इसका यूज किया है, थोड़ी अमाउंट में इसको रिडक्शन की कंडीशन दी है, और जैसे मैं थोड़ी अमाउंट की कंडीशन दूंगा तो एक बॉन्ड इसका डिसोसिएट हुआ, एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो इस पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड अभी प्रेजेंट है NH, और HCl है वो साथ साथ में इसके आ सकता है, HCl हम इसके साथ मेंशन कर सकते हैं, और साथ में आपको पार्शियली दे दे, पार्शियल वर्ड के साथ में पानी भी डाल दे इसमें, अगर पानी डाल दिया, पार्शियल रिडक्शन किए, पार्शियल रिडक्शन पे मैंने पानी डाल दिया, पानी डालते हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्डिहाइड मतलब ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड होंगे वो डिसोसिएट होंगे और उसकी जगह पे ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है, और ये वाला ग्रुप दो हाइड्रोजन्स को लेके NH3 और प्लस HCl है तो NH4HCl, NH4Cl निकल जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो इसको साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है एल्डिहाइड को। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी, स्टीफंस रिडक्शन की, तो साइनाइड से
मुझे क्या देखने को मिलता है, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, अगर मेरे पास में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है और मुझे उससे एल्डिहाइड बनाने हैं, तो उसके लिए रिएक्शन कौन सी होगी, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन। पॉइंट क्लियर है एकदम। रिएजेंट क्या होगा, SnCl2 plus HCl with H2O, ये ध्यान रख रहे हैं, पानी की प्रेजेंस में ही होगा, पानी अगर नहीं दिया तो नहीं बनेगा। कंप्लीट अगर आपने कंप्लीटली रिडक्शन कर दिया तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रोजनमंड रिडक्शन, बात तो वही है, रिडक्शन होना है, मतलब किसका उसको भी समझ लेते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। अब ये किस कंडीशन में होगा, जब जब मेरे पास कोई भी एसाइल क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, मतलब जिसको मैं ये लिख सकता हूं हैलाइड ग्रुप होगा, कोई भी एसाइल हैलाइड ग्रुप हो, एसाइल हैलाइड ग्रुप होने का मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स ग्रुप है, चाहे वो क्लोरीन हो, मेजरली हम यूज करते हैं क्लोरीन के लिए। ठीक है, अगर यदि मेरे पास में ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है मुझे हाइड्रोजन इस पे ऐड करने हैं, हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो मैं इस पे हाइड्रोजन दे देता हूँ 2H, जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ। अब हाइड्रोजन तो एक गैस है, गैस है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली तो आ नहीं से रही, क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक एडजोर्बर सरफेस इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एडजोर्बर सरफेस के लिए पैलेडियम है, निकल है, प्लेटिनम है, लेकिन मेजरली हम यूज करेंगे प्लेडियम का इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है, ये जो रिएजेंट होता है ये लिंडलर्स कैटलिस्ट के लिए भी यूज होता है, किसके लिए, लिंडलर्स कैटलिस्ट, जो कहलाता है जो एल्काइन को कन्वर्ट करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, उसमें भी हम इसी रिएजेंट का यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्योंकि ये गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, रोज रोज है, गुलाब है, गुलाब है, तो ये जहरीला भी मिलेगा, मतलब पॉइजनस कंडीशन इसकी मिलेगी। पॉइजनस कंडीशन का मतलब है जब किसी कंपोनेंट में सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर विद क्विन हाइड्रोन या क्विनोन, लीन या क्विनोन, इस तरीके से आपको मेंशन हो सकते हैं, क्यूनोन, सल्फर, सल्फर का मतलब पॉइजनस कंडीशन, वो ये भी लिख सकता है पॉइजनस कंडीशन या फिर सल्फर विद क्विनोन, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर ये ग्रुप दे दिया तो यहां से एच और एक्स निकलेगा और ये बना देगा R C डबल बॉन्ड O H ग्रुप, यहां पे जुड़ जाएगा, इधर कोई भी R ग्रुप हो सकता है, सिंपल सा रिएक्शन बनते हैं, जिसमें आपको क्या ध्यान देना है, फिर से सुन लो, रिडक्शन करने, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करने, और हाइड्रोजन गैस कभी भी डायरेक्टली रिएक्ट करती नहीं है, तो हमें उसको सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज एडजोर्बेंट। हमारे पास एक मेटल लिया पैलेडियम, BaSO4 की प्रेजेंस में पॉइजनस कंडीशन इसको प्रोवाइड की, दैट इज रोजनमंड। गुलाब के फूल को जहर माना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, तो ये थी हमारी रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़े तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है हमारी, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन हमारी जो फॉर्मेशन करती है ऑक्सीडेशन करने के लिए, लेकिन ऑक्सीडेशन में इसका जो रिएजेंट है दैट इज CrO2Cl2, मेजरली हम इसका यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2। क्लियर है पॉइंट, अगर हमें इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, मान लो मेरे पास में टोलवीन है, मैंने बोला मेजरली हम इसका यूज करते हैं बेंजीन की रिएक्शंस के लिए, और बेंजीन पे मैंने मान लो CH3 ग्रुप डाल दिया, फिनाइल ग्रुप है उस पर CH3 डाल दिया, अगर यदि मैं इस पर रिएजेंट डाल देता हूँ CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, मैंने ये रिएजेंट डाल दिया तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, लेकिन हम उसको मेंशन करें ना करें, आप डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर देगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड में, इसका बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप है उस पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, सीधा इस ग्रुप को बना दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। क्लियर पॉइंट, तो हमारे पास में क्या बोला इसको, इटार्ड रिएक्शन, रिएजेंट क्या है, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। क्लियर एकदम, पक्का क्लियर है, चलिए तो इसको बोला हमने इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं
फोर्थ रिएक्शन दैट इज गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, एक पहले रिएक्शन थी जिसको हमने बोला था गटरमान, खाली गटरमान था, अब की बार कौन है, वो था डाइजोनियम से फॉर्मेशन का, और ये है गटरमान कोच रिएक्शन। और गटरमान कोच रिएक्शन है तो इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन होगी। अब बेंजीन है तो गटर है, देखो ध्यान से, गटर है, गटर, गटर में तो भाई कोई ऐसी गैस तो बनेगी जो पॉइजनस होगी, जो पॉइजनस गैस होगी। पॉइजनस गैस कौन सी है, हमारे पास में कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड गैस बहुत पॉइजनस गैस है, और पॉइजनस गैस है तो इसको एसिडिक मीडियम, अब पानी जो गटर का पानी है वो एसिडिक मीडियम का है, एसिडिक मीडियम का मतलब उसमें HCl प्रेजेंट है, और इसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट भी होता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कोई रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे होने से रही, आपको क्लोरीन दिख गया, हेलोजन दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रिएजेंट क्या है, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, आपने ये डाल दिया, डालते के साथ में यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन लेगा, और उसके पास में बीच का इंटरमीडिएट तो बनाएंगे नहीं, हमने सीधा लिख दिया इसको CHO, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देता है, सिंपल बेंजल्डिहाइड। अगर मुझे फॉर्मेशन करनी है, दैट इज गटरमान कोच रिएक्शन, कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विद अनहाइड्रस AlCl3। क्लियर हो गया एकदम, पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे जो लास्ट रिएक्शन आपकी, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है, सिंपल बेंजीन होती है, और बेंजीन के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा, हाइड्रोजन होते हैं, शुरू में तो हाइड्रोजन होते हैं, और हम इसके ऊपर कोई भी एसाइल ग्रुप का रिएजेंट डालें, एसाइल ग्रुप का रिएजेंट मतलब RC(OH) ग्रुप मैंने डाल दिया। अब ये R की जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस R की जगह पे कोई लंबी कार्बन चेन भी हो सकती है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlX3। क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, उसको मैंने ऐड किया, जैसे मैं डालूंगा तो हमारे पास में यहाँ से रिएजेंट बनेगा, दैट इज C(OR) ग्रुप। दिस इज द कीटोनिक फॉर्मेशन, कीटोन बनाना है मुझे, कीटोन की आराम से फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं अगर यहाँ पे एच होगा तो। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारी पांच नेम रिएक्शंस थे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन करते हैं, जिनके बेसिस पे हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्लियर एकदम, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए तो ये थे हमारी पांच नेम रिएक्शंस जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एल्डिहाइड और कीटोन से होने वाले रिएक्शंस हैं उनके बारे में। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।